बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इंडस्ट्री में एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। इन दिनों काजोल अपनी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म त्रिभंगा को लेकर चर्चाओं में हैं। इस फिल्म में काजोल ने एक तलाकशुदा महिला की बेटी का रोल निभाया, जिसे निभाकर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फिल्म त्रिभंगा में तलाकशुदा का किरदार निभाकर मशहूर हुई अदाकारा काजोल की जिंदगी में एक पल ऐसा आया जब इनकी माँ बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा और इनके पापा का अलगाव हो गया। जी, अभिनेत्री काजोल जब छोटी थी तो इनके माता पिता का अलगाव हुआ, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था दोनों के बीच, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए, पर उससे पहले अभिनेत्री काजोल के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस बात में तो आप अच्छे से परिचित हैं कि बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस काजोल आज जिस मुकाम पर है वो इनकी मम्मी तनुजा की देन है, जो 60 के दशक की ब्यूटीफुल अदाकारा रह चुकी हैं। काजोल के माता पिता के अलगाव के बारे में जानने से पहले आपको इनके करियर से जुड़े एक फैक्ट के बारे में जानना होगा। जिस तरह से काजोल की मां तनुजा ने काजोल के करियर को बनाया, उसी तरह से इनकी मां तनुजा का करियर इनकी मां सोमनाथ समर्थ ने बनाया। दरअसल हुआ यूं था कि तनुजा की मां सोमनाथ समर्थ और उनकी बड़ी बहन नूतन भी हिंदी फिल्मों की स्टार थी, इसलिए तनुजा को लगा कि उनकी मां और बहन तो बड़े स्टार हैं, इसलिए उन्हें एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब उन्हें केदार शर्मा के निर्देशन में बनी छबीली फिल्म ऑफर हुई तो वो काफी एक्साइटेड हुई, उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन पहली फिल्म में ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी ना सोचा हो। तनुजा को 1960 में उनकी माँ सोमनाथ समर्थ ने फिल्म छबीली में लॉन्च किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा इतने नखरे दिखा रही थी कि पूरी यूनिट उनसे परेशान रहती थी। यही काम उन्होंने केदार शर्मा की फिल्म में भी किया। फिल्म के एक सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन वो बार बार हंस रही थी। ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। तनुजा अपने काम को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेती थी। इन्होंने केदार शर्मा से कहा, आज मेरा रोने का मूड नहीं है। इसी बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने तनुजा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। इस फिल्म के हीरो राज कपूर धीरे से बाहर निकले और तनुजा ने आसमान सिर पर उठा लिया। वो रोते हुए केदार शर्मा की शिकायत करने माँ शोभनाथ के पास पहुँची। जब तनुजा ने पूरी बात बताई तो माँ ने उल्टा तनुजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया। सोमनाथ तनुजा को वापस सेट पर लेकर आई और केदार शर्मा से कहा कि अब ये रो रही है, शूटिंग शुरू कर दीजिए। इसके बाद तनुजा ने परफेक्ट शॉट दिया कि केदार शर्मा उस समय के गुस्सैल निर्देशकों में से एक माने जाते थे। तनुजा से पहले कई सुपरस्टार को तमाचा जड़ चुके थे। खैर, तनुजा को इस थप्पड़ ने ही बुलंदियों पर पहुंचाया। अपनी इस फिल्म से सफलता हासिल करने के बाद इन्होंने निर्माता निर्देशक शोमू मुखर्जी के साथ घर बसा लिया, जिनकी शादी के कुछ साल बाद इनके घर में काजोल और तनिषा का जन्म हुआ। काजोल की फैमिली एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल जीवन बिता रही थी, मगर जब काजोल 4 साल की हुई तो इनके माता पिता के बीच दरार आने लगी। ये दरार बढ़ती गई। काजोल की मां तनुजा को शोमू मुखर्जी से तलाक लेना पड़ा, इसलिए उन्होंने इनसे तलाक लेकर काजोल और तनिषा की परवरिश का पूरा खर्चा उठाया। बता दें, काजोल अपने माता पिता दोनों से प्यार करती थी। जब उनके माता पिता अलग हुए तब भी उनके प्यार में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। खुद काजोल ने इस बारे में बात करते हुए कहा, चाहे मेरे माता पिता अलग हुए हों, चाहे वो काम करने वाले हों या कामकाजी महिला हों, जो कुछ भी मेरे जीवन में आया वो मेरी माँ की बदौलत आया। छोटी उम्र में ही उनका अलग होना हमारे लिए बहुत गलत हो सकता था। मेरे इतने दोस्त हैं जिनके माता पिता आज तक एक साथ हैं, लेकिन बेहतरीन स्पेस में नहीं हैं, ना ही उन्हें अच्छा बचपन मिला। पर काजोल ने माता पिता के अलगाव के बाद भी अपने पिता के साथ रिश्ता रखा। हालांकि इनके पिता का साल 2008 में देहांत हो गया, पर आज भी काजोल अपने पिता को दिल से याद करती हैं। तो दोस्तों, आपको काजोल का उनके माता पिता के साथ बॉन्ड कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।